आज जो मैं पुलाव सिखाने जा रही हूँ वो कुछ इस तरह दिखेगा। ये चिकन वेजिटेबल पुलाव है और चिकन का सूप है और बहुत ही टेस्टी सूपदार बनता है। चलो तब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सकीना क्रिएटिव्स कुकिंग कॉर्नर में आपका स्वागत है। चलो आज हम बनाते हैं पुलाव। पुलाव बनाने के लिए वेजिटेबल्स भी चाहिए और चिकन भी चाहिए, तो हम पहले चिकन मैरिनेट करते हैं। चिकन मैरिनेट करने के लिए एक चम्मच गार्लिक है, एक चम्मच अदरक पेस्ट है मिर्चा के साथ, एक चम्मच तंदूरी मसाला और चाट मसाला है, और ये एक एक दो दो चम्मच ग्रीन चिली और रेड चिली है, दोनों मिला के है। एक चम्मच लाल मिर्चा पाउडर है, धनिया पाउडर है, ये हल्दी पाउडर है, आधा चम्मच नमक है, थोड़ा और नमक दे देंगे और विनेगर डालेंगे, ये पूरा एक चम्मच विनेगर और आधा चम्मच डेढ़ चम्मच विनेगर देंगे और ये सब मसाले को हम अब मिला देंगे। इसमें दही डाल सकते हो और थोड़ा सा हम लेमन देंगे। आधा चम्मच बस, ये आधा चम्मच लेमन दिया और दही देना है आपके पास तो दो चम्मच डाल देना है दही। अभी हम इसमें मैरिनेट करेंगे मुर्गी। 350 ग्राम मुर्गी का टुकड़ा लिया हुआ है हमारा, मैरिनेट हो चुका है मुर्गी। अब उसको हम एक घंटा के लिए रख देंगे। पुलाव बना रहे हैं उसके लिए ये सब्जी है, सब्जी को हम सोटे करेंगे अभी, उसके बाद मुर्गी के साथ मिला के चावल बॉईल करके वघार करेंगे। अभी हम सोटे करने के लिए तेल चढ़ाएंगे, वेजिटेबल सोटे करेंगे, इसमें थोड़ा सा हम जीरा सोटे करेंगे, उसके बाद ये वेजिटेबल सोटे करेंगे। इसमें भी थोड़ा है अभी वन बीन और गोभी है, इसमें भी कैप्सिकम पे इसके अंदर, बाद में हम नमक डालेंगे थोड़ा सोटे होने के बाद। ये हमने जो चिकन सोटे किया था उसमें दो चम्मच दही दे दिया है हमने, ये दो चम्मच दही दिया हुआ है इसमें। इसमें थोड़ा सा नमक देंगे, इतना नमक देंगे स्वाद अनुसार। इसमें हम थोड़ा सा ग्रीन चिली डालेंगे, थोड़ा सा रेड चिली, दोनों मिला के बीज के अंदर चढ़ा देंगे। ये हमारा वेजिटेबल सोटे हो गया है, अभी हम चिकन को फ्राई करेंगे। तो हम उतार लेंगे, ये चिकन को हम चढ़ा देंगे, इसमें थोड़ा सा हम तेल डालेंगे, थोड़ा सा तेल में सोटे करेंगे अब उसको।
ये हमारा चिकन पक रहा है। इस तरह चिकन को हमको पकने देना है और पूरा सूखा बना देना है, फ्राई हो जाए तब तक ऐसे ही फ्राई करते रहना है। फिर इसमें आखिर में जब तेल छूटता है उस टाइम हम प्याज डालेंगे काट के। अब इसमें हम ये कटा हुआ प्याज मिक्स कर देंगे। तो थोड़ी देर पकाएंगे इसके अंदर। प्याज डाला है तो थोड़ा सा हम और नमक डाल रहे हैं, जरा सा, छोटा सा, दो चुटकी। हमारा चिकन पक चुका है, एकदम टेस्टी और मजेदार बन गया है। इसको चिकन वेजिटेबल पुलाव बोलते हैं। हमारा चिकन पक चुका है, अभी हम उसको बंद करेंगे। अभी हम मुर्गी का हड्डी का सूप बनाएंगे। तो हड्डी को हम बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया है। अब इसमें थोड़ा सा हम नमक डालेंगे, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा अदरक लहसुन डालेंगे, थोड़ा सा अदरक डालेंगे, थोड़ा सा लहसुन, एक चम्मच मतलब ये वाला। इसको थोड़ी देर उबालना है, उसके बाद हम सूप का वघार करना सिखाते हैं आपको कि पुलाव के साथ हम सूप बनाएंगे। ये हम पुलाव के लिए चावल ले चुके हैं, इसको हम भिगा दिया है। अभी हम उसको पानी चढ़ाएंगे और पानी उबलेगा जब हम ये चावल अंदर डाल देंगे। तब तक के आधा घंटा के लिए हम भिगाने के लिए चावल को छोड़ दिया है। चावल भीग रहा है जब तक हम अपना सूप का तैयारी भी करेंगे साथ साथ। चावल बॉईल करने के लिए हम पानी को चढ़ा दिया है। अब हमने 5 कप चावल लिया है तो हम 5 बार नमक देंगे, इसलिए एकदम माप का पड़ता है। इधर हम सूप के लिए डेक्ची चढ़ा दिया और चावल हम वो सामान उधर में ले लिया है। इधर मेरा चावल का पानी पक रहा है, ये मुर्गी का सूप पक रहा है। ये तीनों डेक्ची एक साथ चढ़ा हुआ है, इसमें हम वघारेंगे। सूप के लिए चढ़ाएंगे हम थोड़ा सा तेल वघार के लिए। वघार में चाहिए हमको जीरा और गेहूं का आटा। ये हमारा सूप के लिए तेल रेडी हो चुका है। इसमें हम डालेंगे जीरा, 1 चम्मच जीरा। जीरा चटक जाने पर हम 2 चम्मच आटा देंगे। गैस को 2 मिनट बंद करेंगे, सेक लेंगे हम। इसमें हम थोड़ा 2-3 काट के हरा मिर्चा डालेंगे। 2-3 काट के हम हरा मिर्चा डालेंगे। अभी हम बना रहे हैं सूप। अब इसके लिए हम थोड़ा सा लहसुन देंगे, 1/2 चम्मच लहसुन दे दिया हमने। अब लहसुन को थोड़ा फ्राई करेंगे, के बाद जो हमने मुर्गी का पानी रेडी किया है ना वही दे देंगे। ये मुर्गी पानी दे देंगे। पानी डालेंगे, आ
अब इसको हम उबाल लेंगे। और आपके पास वो टिकड़ी आता है सूप का, वो भी डाल सकते हो। हम डालेंगे, आपको दिखाएंगे। टिकड़ी भी हम डालेंगे, आपको दिखाते हैं आगे कैसे डालना है। ये वाली मैगी सूप की आती है, वो दो टिकड़ी हम डालेंगे इसमें। ये दो आती है ऐसे अंदर, इसको हम सूप में डाल देंगे। ये हमारा पानी उबल चुका है, अभी इसमें ये चावल हम अंदर डाल देंगे बॉईल होने के लिए। इसको हम बिरयानी की तरह ही हमको ये चावल को पकाना है। चावल का दाना छुटा है। चावल को हम पकने देंगे। इधर हम चावल को पकने छोड़ दिया है बॉईल होने के लिए। एक चम्मच तेल डाल दिया है अंदर। सूप के अंदर हम थोड़ा धनिया डाला काट के, थोड़ा बाद में डालेंगे हम। बहुत ही टेस्टी बन गया है सूप। वाओ, एकदम अब हमारा सूप रेडी हो चुका है पीने के लिए। अभी 2-3 मिनट बाद हम गैस को बंद कर देंगे। ये हमारे चावल पक चुके हैं, एकदम रेडी हो चुके हैं। इसको हम निकाल लेंगे। हम चावल का वघार करेंगे, पुलाव का 2 चम्मच तेल, थोड़ा सा जीरा से वघार करेंगे हम। तो जीरा डाल देंगे अंदर में। अब इसमें जो हमने वेजिटेबल पकाया है और मुर्गी पकाया है वो हम डाल देंगे अंदर में पहले। इस तरह चावल देके इसमें मिला देना है हमको वेजिटेबल के साथ। आंच को हम धीमा रखेंगे थोड़ा सा। थोड़ा सा हम नमक देंगे अगर फीका हो गया है तो। आपका टेस्ट बराबर ठीक लग रहा है आपको तो आपको नमक नहीं देना है अंदर में। ये हमारा पुलाव एकदम रेडी हो चुका है, अब इसको हम निकाल देंगे। ये हमारा एकदम परफेक्ट रेडी हो चुका है। ये हमारा सूप और पुलाव एकदम खाने के लिए रेडी है। अभी हम इसको आराम से मस्त मजा लेके खा सकते हैं। ऐसे वाओ, क्या मस्त बना हुआ है। आप इस तरह जरूर बनाओगे और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन जरूर दबाना। और आगे भी बहुत तरह का पुलाव बनाना सिखाऊंगी। ओके फ्रेंड्स, बाय।